नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। स्वागत है आपका रफ्तार में। आज का एपिसोड है राजस्थान स्पेशल। क्यों और कैसे, चलिए वही बताते हैं। सबसे पहले फोर्ड की नई फीगो की सवारी की हमने, दिल्ली से पहुंचे जयपुर के चौकीढाणी। महिंद्रा की एसयूवीज गुजरी असली टेस्ट से जब हमने उन्हें भगाया राजस्थान के रेगिस्तान में। फोक्सवैगन ने लॉन्च कर दी है अपनी छोटी कार पोलो। छोटी गाड़ी का इंतजार बहुत दिनों से हो रहा था फोर्ड की तरफ से। फीगो आखिरकार आ गई, रफ्तार में भी हम उसे लेकर आ रहे हैं और फिलहाल उसके बारे में बताने के लिए आपको हम इसे लेकर जा रहे हैं दिल्ली से जयपुर। अब मैं चला रहा हूँ पेट्रोल फीगो और 100 किलोमीटर के ड्राइव के बाद महसूस कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक है। और पिकअप के वक्त थोड़ी सी आपको समस्या होगी, ओवरटेक करने के वक्त आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये उस वजह से भी ज़्यादा महसूस मुझे हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने डीजल चलाया था, जो परफॉर्मेंस में आपको मज़ा देने वाली फीगो है। लेकिन जहाँ तक पेट्रोल फीगो का सवाल है तो कह सकते हैं कि शहर के अंदर के लिए ये बहुत ठीक ठाक विकल्प कही जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे विकल्प, वो भी ठीक ठाक विकल्प बाजार में मौजूद हैं, फोर्ड कैसे इस गाड़ी की तरफ आकर्षित करेगी ग्राहकों को, क्योंकि जो फीचर्स का लिस्ट है, जो इसमें सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो सीटिंग है, चाहे वो स्पेस है, लेग स्पेस या बूट स्पेस, ये सभी फीचर्स जो हैं वो अपने आप में इतने बड़े फीचर्स नहीं हैं, इतनी ज़ोरदार खूबियाँ नहीं हैं जो देखते ही ग्राहकों को आकर्षित कर लें। वैसे में रास्ता क्या बचता है? रास्ता है अग्रेसिव प्राइसिंग, यानी जितने कम कीमत में फोर्ड इसे लॉन्च कर सके, मुझे लगता है कि तुरंत सबका ध्यान इस गाड़ी की तरफ ज़रूर आएगा। Tubar.com.